मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक न्यूज जरूर पढ़ी होगी। कोयम्बटूर के 20 इयर्स ओल्ड कीर्ति वासन ने नीट रिजल्ट की टेंशन में सुसाइड कर लिया। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ये जो नीट का एग्जाम है, ये कोई आखिरी एग्जाम भी नहीं है कि आगे एग्जाम होगा ही नहीं, हमारे अवसर खत्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में आगे बहुत ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिसमें आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं अभी 50 इयर्स का हो चुका हूं। मैंने इस जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, हर शाम के बाद सुबह जरूर होती है। तो आपने अभी, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपने अभी फ्यूचर आपका देखना बाकी है, आपके पास में बहुत समय पड़ा है अनुभव के लिए, तो ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे अवसर भी आएंगे, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, नहीं तो आप नेट में सर्च करके देख लेना। नितिशा जट्टा महाराष्ट्र की एक लड़की ने जेई मेन में फेल होने के बाद यूपीएससी की एग्जाम क्लियर की है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी 199 रैंकिंग के साथ। आप नेट में सर्च कर लेना। तो अगर वो भी जेई मेन के एग्जाम से हताश हो जाती, ये सोचती कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो भी वहां रुक सकती थी, लेकिन नहीं, उसके अंदर एक हौसला था, आगे कुछ कर गुजरने की उसमें एक शक्ति थी कि मुझे कुछ करना है। और जब स्टूडेंट में ये एक शक्ति होती है कि मेरे को बहुत कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ करता है। ये नीट का एग्जाम इस साल भी आया है, अगली साल भी आएगा, उससे अगली साल भी आएगा। आप काफी सारे चैनलों पर इंटरव्यू भी देखेंगे कि काफी बच्चों ने पांचवें या छठवें अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया है, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। एम्स में भी ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो पांचवें या छठवें अटेम्प्ट में नीट क्लियर करके एम्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, आंसर की आ गई है, आपने चेक कर लिया होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो आपके पास और बहुत मौके हैं। अगले साल आप एग्जाम दे सकते हैं, और आपके ज्यादा ड्रॉप हो गए, आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और बाकी सारी एग्जाम है उनमें अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत सारे स्ट्रीम है, जैसे आईसीआर हो गया, एम्स की बीएससी नर्सिंग हो गई, वेटनरी कोर्सेज हो गया, तो इस प्रकार से बहुत आगे रास्ते हैं। ये अभी आपका यही रास्ता खत्म नहीं हुआ है, आपके पास में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहादुर बच्चों के ये काम नहीं होते हैं, किसी भी बच्चे ने ऐसा कदम नहीं उठाना है। ये जो हमारी जिंदगी है, इसको एक चैलेंज समझना है। रिजल्ट आज नहीं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। जाने वाला चला जाता है, लेकिन अपने माँ बाप परिवार पर क्या गुजरती है, ये उनको पता है ऑलरेडी कि आखिर आने वाले टाइम में मेरे परिवार के साथ क्या होगा, कैसे वो जीवन जिएंगे, ये भी उनको पता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, 2015 में ऐसे केसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको 2015 का एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि उस बच्चे को पता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। उसके बाद भी उसने चंबल नदी में कूद करके जान दे दी थी 2015 में, सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले वो अपना एक वीडियो बना गया था, वीडियो में उसने यही शूट किया था कि आदरणीय मेरे मम्मी पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आगे नहीं कर सकता, मैं आगे नीट की तैयारी नहीं कर सकता, आगे सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहां पर ही अपने जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं। मेरे को ये पता है कि मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरे लिए ही नहीं,
मेरे परिवार के लिए रात दिन एक करते हैं, हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की टेंशन ही नहीं है उनको, उनको और बहुत टेंशन है परिवार की, उनको परिवार को आगे लेके जाना है, परिवार को चलाना है, वो हमेशा मेरा साथ देते आए हैं। उन्होंने चाहे मैंने गलत किया हो तब भी, चाहे मैंने सही किया हो तब भी, मेरे पापा मेरे साथ हमेशा रहे हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए हरदम ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा इस साल नीट में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, लेकिन मैं ये आप लोगों की तमन्ना पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपनी यहाँ जान देने जा रहा हूँ। लेकिन मम्मी पापा आप मेरे को माफ कर देना, लेकिन छोटू को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना, पढ़ाया तो आपने, मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से है, मेरे को जब जरूरत थी तब आपने खर्चा दिया है, पैसा दिया है, लेकिन मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका। लेकिन छोटू आप पेरेंट्स का सपना पूरा करना है आपको, आप बहुत पढ़ना, बहुत आगे तक जाना, मैं भी बहुत आगे तक जाना चाह रहा था लेकिन नहीं जा पाया, लेकिन आपको आगे जाना है। माँ बाप आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए वो सारे प्रयास करेंगे जो मेरे लिए उन्होंने किए थे। माँ बाप को मैं यह एक सम्मान के साथ में, उनके लिए एक सम्मान के साथ वर्ड बोलूंगा कि मेरे जैसे माता पिता किसी और के नहीं हैं। तो छोटू आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना, जिंदगी में आपको बहुत आगे जाना है और मेरे माँ बाप का, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो इस प्रकार का जो वीडियो बना गया दोस्तों, वो एक हृदय विदारक वीडियो है। हम भी जब उस वीडियो का, ये तो मैं आपको थोड़ा सा अंश बता रहा हूँ, अगर मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो अगर दूसरे बच्चे के लिए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं तो देखो उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। जाने वाला चला जाता है लेकिन उस माँ बाप के लिए जिंदगी भर एक ऐसा दर्द दे जाता है कि वो एक पत्थर की मूर्त बनके घूमते रहते हैं। उनमें जान तो होती है लेकिन उनमें कोई किसी प्रकार का प्यार, कोई अनुभव, कुछ भी नहीं बचा रहता। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। उस बच्चे को पता था कि मेरे माँ बाप आगे मेरे जीवन में मेरे लिए सब कुछ इतना किया है तो उन पर क्या गुजरेगी, ये उस बच्चे को पता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए एक, आपके माँ बाप ने आपके लिए एक ऐसा सपना तैयार कर रखा है कि आप नहीं रहोगे तो वो उनका सपना पूरा नहीं होगा। हम कभी कभी सोचते हैं, बहुत बार सोचा होगा आपने भी कि मैं मेरे माँ बाप को बिल्कुल तकलीफ में नहीं आने दूंगा, एक बार मैं नीट क्लियर कर जाऊं, नीट क्लियर करने के बाद में मैं अपने माता पिता को ऐसी जिंदगी दूंगा कि वो जिंदगी भर सुखी रहेंगे, ऐसा हमारा सबका सपना है। लेकिन ऐसी गलती अगर कर जाते हैं तो वो सुख देने की बजाय दुख दे जाते हैं, और ऐसा दुख दे जाते हैं कि वो एक जिंदा मूर्त भी लाश बन जाती है। कभी आपने सोचा होगा एक पिता आपको बहुत डांटता है लेकिन उसके हृदय में जो है आपके लिए प्यार, उसको आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप ये तब देखोगे जब आप किसी के पिता बन चुके होंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि एक पिता और एक माँ के हृदय में बेटे के लिए कितना प्यार होता है, वो आप माँ बाप बनने के बाद ही देख पाएंगे। तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये ही है, क्योंकि रिजल्ट के नजदीक इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। नजदीक जब रिजल्ट आता है उसकी टेंशन में स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, जब रिजल्ट आने के बाद एडमिशन होता है तब भी इस प्रकार से करते हैं, और जब एग्जाम नजदीक आती है तब भी स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो मेरा कहना यही है,
जिंदगी में अवसर आपको बहुत मिलेंगे, बहुत अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप में काबिलियत है, बिल्कुल आप आगे बढ़ोगे। आप में एक हिम्मत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं करूंगा। सुसाइड करना कोई ये तो कायरों का काम होता है, कोई बहादुरी का काम नहीं है। आप अपने जीवन से मुंह मोड़ लेना, आप सभी को परेशान कर रहे हैं, अपने परिवार को परेशान कर रहे हैं, अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, अपने भाई बहन को परेशान कर रहे हैं। ये सोचने से, ये करने से पहले आप ये तो सोचते हो कि उनकी जिंदगी पर क्या बीतेगी, आगे आने वाले समय में उनका जीवन कैसा होगा। ऐसा जीवन जिसको हम देख के ही सियर उठते हैं। मैंने ऐसे माँ बाप के जीवन को भी देखा है जिनके बच्चे नहीं रहे हैं, उनका जीवन देख के मैं खुद सिहर उठता हूं कि ये कैसे जीवन जी पाएंगे, ये आगे कैसे निकल पाएंगे, अपने बच्चों की यादों को कैसे भुला पाएंगे ये। तो इस प्रकार की घटनाएं आगे होती हैं। आप अभी बच्चे हैं, आपको अभी भले बुरे का पता नहीं है, आगे समाज में किस प्रकार से अपने माँ बाप की रेपुटेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये अभी आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे महसूस होगा। वो आपको अभी करना है, न कि इस प्रकार के गलत कदम उठाने हैं। रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आज नहीं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। रिजल्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर एग्जाम होगा, उससे अगली बार फिर एग्जाम होगा। क्या ये हमारा आखिरी एग्जाम थोड़ी था कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया? हमारे सामने आगे बहुत से चांसेस हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ करके बढ़ सकते हैं। कितने सारे जो आगे लोग बढ़े हुए हैं वो फेल्यूर, बहुत फेल होके आगे बढ़े हैं। हमने भी हमारी जिंदगी में ऐसे दुख देखे हैं, ऐसे दुख देखे हैं कि उस समय हमें लगता था कि हम आगे अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें इस बात का पता था कि हर शाम के बाद सुबह जरूर आनी है। और दूसरा, समय एक ऐसी चीज है जो इंसान के हर घाव को भुला देती है। आज का समय निकल जाएगा, खराब समय आ रहा है निकल जाएगा, कल को अच्छा समय आएगा। जो हमारे को परेशानी हुई है, आने वाले समय में अच्छा होगा, अच्छा समय आएगा हमारा। तो अभी इसी समय को लेके आप मत चलो, समय आगे बदली होगा, और समय जो बदली होगा वो अच्छा समय ही बदली होगा। मेरा एक ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, और उसके लिए आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जो स्टूडेंट हिम्मत रख के आगे काम करता, आगे स्टडी करता है, वो बिल्कुल सक्सेस होता है। पिछले साल के एग्जाम्पल मेरे पास बहुत हैं। मैंने पिछले साल ऐसे किनारे पर अटके हुए बच्चे या फिर जिनके काफी डाउन मार्क्स थे, उनको भी ये बोला था कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करके। उनके साथ हुआ भी ऐसा ही है। जैसे ही आंसर की चेक किया, उन्होंने जस्ट मेरे को कॉल किया कि सर आपने जो बोला था वो सही हुआ है। मैं तो पिछली बार ये सोच के हताश हो गया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया है, ये किया है कि मेरा सिलेक्शन होगा। और जब आपके अंदर ये एक भावना आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब जिनके पांच, चार या पांच ड्रॉप होके वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनके भी तो ये समय आया है ना, उनका भी तो दूसरा ड्रॉप में उन्होंने ये सोचा होगा जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने तीसरे ड्रॉप में सोचा होगा, चौथे ड्रॉप, लेकिन उन्होंने एक हिम्मत रखी कि मैं करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा। तो होगा तो होगा ही होगा। अभी मैं जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस समय आपकी जरूरत है, उनका मनोबल बढ़ाए रखें, उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहें। क्योंकि ये जो नीट का एग्जाम है
वो एग्जाम ही इस तरीके का है कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। हम ये सोचते तो हैं कि ऐसे करके आना चाहिए था, एग्जाम हॉल में ऐसे कर देना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत क्यों किया, इसका ये आपने राउंड गलत क्यों काटा है, तो इस प्रकार से बच्चों की ये कमी उनको नहीं बताई, क्योंकि वहां एग्जाम के कारण हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। अगर हम भी एग्जाम हॉल में एग्जाम देंगे तो इन बच्चों से ज्यादा गलतियां कर बैठेंगे। तो ये सोच के कि एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है उसकी वजह से बच्चे करना, तो सब बच्चे अच्छा करना चाहते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं उनसे, तो बच्चों को इस समय आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप उनकी हिम्मत बांध के रखें, आप उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें कि जो ये आपका अटेम्प्ट है ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं है, आगे भी आप कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आप बच्चों के साथ में बातें करते रहें। वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस जीवन में, आप आगे बढ़ सकते हैं मेहनत के साथ में। आपका रिजल्ट अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं गया, दोबारा से तैयारी करें। अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते और स्ट्रीम में एडमिशन ले लें, लेकिन इस तरह के ख्याल बिल्कुल आपने दिमाग में नहीं लाने हैं। आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हिम्मत रखो, हिम्मत से ही सब कुछ होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ में, एक नए जोश के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।